तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फॉर्म स्लिप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पर नेशनल टेक्निकल टीचर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत में रिक्रूटमेंट यहाँ रिलीज की गई है, जहाँ पर वेरियस पदों पर कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स सबसे पहले देख लेते हैं क्या रखी गई है। तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपके होने वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिसर्च। पोस्ट यहाँ वेरियस वैकेंसी से 36। कैटेगरी आपकी गवर्नमेंट होने वाली है। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन होंगे, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इन इंडिया होंगे। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते क्या रखी गई है। तो एडवर्टाइजमेंट आपकी रिलीज की गई थी 21 जनवरी 2023 से। एप्लीकेशन आपके 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट होने वाले हैं 20 फरवरी 2023। एग्जाम के डेट, इंटरव्यू के डेट और मेरिट लिस्ट के डेट आपको बाद में नोटिफाई किए जाएंगे। पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं यहाँ क्या रखी गई है। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लाइब्रेरियन अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीनियर ऑडिटर का अनरिजर्व के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू के लिए ग्राफिक असिस्टेंट वाले जो होंगे उनके लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू फार्मासिस्ट वाले के लिए एससी के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू कंसोल ऑपरेटर के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए एससी के लिए एक पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट सर्जेंट वाले के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टेवार्ड वालों के लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर ऑडिटर के लिए ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो होंगे उनके लिए अनरिजर्व के लिए एक, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 6 पद यहाँ दिए गए हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। टोटल यहाँ 4 पोस्ट दिए गए हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए टोटल 9 पद हैं, जहाँ पर अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं, जहाँ अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत में एज लिमिट इस प्रकार रखी गई है, जहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होने वाले हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या रखी गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो हिंदी ट्रांसलेटर होंगे उनके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी के साथ में, और 5 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत में, और इसके साथ में 5 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर सीनियर ऑडिटर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के साथ में, और इसके साथ में 5 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। टेक्नीशियल असिस्टेंट ग्रेड टू के लिए यहाँ पर ग्राफिक असिस्टेंट जो वाले होंगे उनके पास में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए इंजीनियरिंग के साथ, और 5 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू जूनियर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन के बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के साथ में, और 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू फार्मासिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के साथ, और 5 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड टू के लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के साथ, 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड टू ड्राफ्टमैन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ में, और इसके साथ में 5 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सीनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सर्जेंट वालों के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट स्टेवार्ड के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के साथ में, और 5 साल के आपके एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। सीनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट जूनियर ऑडिटर के यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के साथ में, और 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन के लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए इंजीनियरिंग के साथ में, और 5 साल के एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट के लिए 10 पास होना चाहिए जो कि रिकग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, और इसके साथ में आपके पास में टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 10th होना चाहिए और इसके साथ में ITI होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के साथ में, 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। सैलरी के बारे में बात करें, यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल असिस्टेंट वाले जो होंगे उनको 29,200 से 92,300 पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वालों को, सीनियर टेक्नीशियन वालों को यहाँ पर 25,500 से 81,100 की सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट का 19,900 से 63,200 की सैलरी मिलेगी, और टेक्नीशियन वालों को भी यहाँ पर 19,900 से 63,200 की सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन होंगे, बाद में आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे, और इंटरव्यू के बाद जिनके सिलेक्शन होंगे उनके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिखाई देगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको फिल करना है, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच करके उसको
नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर रजिस्टर या स्पीड पोस्ट करके भेज देना है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो 20 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन कर पाएंगे। तो अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ ले। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो फॉर्म स्लिप में बने रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।